Yoddha Garud. मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा। क्षमा मुझसे नहीं, अपने पिता से मांग। भूल तो मुझसे हुई है पुत्र। देवी छाया, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में और शनि को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं आपको वो सारे अधिकार प्रदान करता हूं जो देवी संज्ञा को प्राप्त हैं। छाया मेरी बहन, मेरे अपमान भरे व्यवहार को भुलाना तुम्हारे लिए असंभव है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माता पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तुम अभी अभी तो मिले हो पुत्र, इतने शीघ्र कहाँ जाओगे? मैं तपस्या करना चाहता हूँ पिताजी, ताकि अपने शक्तियों का प्रयोग मैं संसार के कल्याण के लिए कर पाऊँ, एक ऐसा पुत्र बन पाऊँ जिस पर आपको और मेरी दोनों माताओं को गर्व हो। हमारी माँ ने शनि देव के बारे में हमें ये सब क्यों नहीं बताया? वो तो सदैव हमें इनसे सावधान रहने के लिए कहती रही। माँ सही ही कहती थी, सावधान तो अभी भी रहना होगा इनसे, नहीं तो कहीं हम भी भूत नंदी की तरह आहत हो गए तो। अस्थि में अचानक बहुत तीव्र पीड़ा हुई। अस्थि में पीड़ा तो शनि के प्रकोप के कारण होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गरुण की पीड़ा का आभास तुझे हो रहा है? पता नहीं दीदी, मैं बस इतना जानती हूँ यदि हमारा संदेश सत्य है और हमारे पुत्र शनि ग्रह पर ही हैं, तो हमें बिना भयभीत हुए शनि देव की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। यदि इसका आभास इतना दृढ़ है तो अवश्य ही मेरे पुत्र गरुण के साथ शनि देव के समक्ष होंगे। हमें उड़द दाल, काले तिल, नीलम, काली गाय और भैंस का दान किसी निर्धन ब्राह्मण को करना चाहिए। पूरे हृदय से उन्हें भोजन कराना चाहिए और श्वान को दही चावल भी खिलाने चाहिए। तो इतनी शांत कैसे है? तुझे तेरे पुत्र के लिए भय नहीं लग रहा है? यदि शनिदेव मेरे पुत्र को कोई कष्ट देते हैं तो वो उसके कर्मों का ही फल होगा। जब मुझे आभास हुआ था कि मेरा पुत्र अपना मार्ग भटककर सूर्यलोक के स्थान पर शनि ग्रह पर पहुंच गया है, ये सत्य है कि मैं विचलित हुई थी, पर शनि के प्रकोप से स्वयं महादेव को भी वृक्ष के कोटर में छुपना पड़ा था। तो मेरा और आपका भयभीत होना स्वाभाविक ही है। पर जो हो रहा है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। यदि गरुड़ वहां तक पहुंचा है
तो इसमें भी श्री विष्णु की ही इच्छा होगी। देवी धामिनी के श्राप के बाद आपकी दृष्टि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे संसार के लिए अभिशाप बन गए। पिता की उपेक्षा, माँ से वियोग और पत्नी के श्राप जैसे अनेक दुखों से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा आपकी तपस्या के कारण तपोबल में बदल गई और उसी तपोबल का परिणाम है आपकी वक्र दृष्टि और उसका अद्भुत प्रभाव। अब ये दृष्टि जिस प्राणी पर पड़ती है उसकी दुर्गति निश्चित ही हो जाती है। जीवन की विपरीत परिस्थितियों ने आपको कठोर तो अवश्य बनाया प्रभु, पर क्रूर नहीं बना पाए। महादेव ने आपको दंडाधिकारी के पद पर आसीन किया क्योंकि आप स्वभाव से ही निष्पक्ष हैं। किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या स्थान से कोई भी भावनात्मक लगाव नहीं रखते आप। बस कर्मों का फल देकर न्याय करते हैं। एक संपूर्ण ग्रह के स्वामी होने के बाद भी आप में तनिक भी अहंकार नहीं है। इतना अपमान सहा आपने, पर फिर भी प्रतिशोध की भावना को अपने भीतर पनपने नहीं दिया। अधर्मी को कभी क्षमा नहीं करते आप और धर्म का पालन करने वालों का तनिक भी अहित नहीं करते। आपकी वक्र दृष्टि प्रभावी है, बहुत प्रभावी है, पर उससे भी अधिक प्रभावशाली है आपकी कृपा दृष्टि। आपकी कृपा का आशीर्वाद जिसे भी मिल जाए उसे धन धान समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ अपने आप मिल जाता है। इसलिए मैं जानता हूं प्रभु आप संकट कारक नहीं हैं। मैं आपको नमन करता हूं प्रभु। करोड़, तुमने अपने वचन का मान रखा, हमारे जन और जीवन की कथा पूर्ण शुद्धता से सुनाई और बहुत ही बुद्धिमानी से तुमने अपनी माँ की चुनौतियों को हमारी माँ की कठिनाइयों के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया ताकि तुम हमें भावुक कर पाओ। इसे एक बात सिद्ध होती, प्रारंभ में भले ही तुम मौन रहे हो लेकिन वार्तालाप की कला में तुम पारंगत हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।